The Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, डॉन एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। इलेक्शन कमीशन के अनुसार शाम 6 बजे तक 57% का मतदान हुआ। हालांकि जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो उम्मीद की जा रही है कि 60% के आंकड़े को इस बार भी मतदान प्रतिशत पार कर जाएगा। इस पर हम आगे, हमारे साथ मनोज पाठक जी हैं, इनके साथ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कुछ वीडियो क्लिपिंग्स और लोगों की राय, क्योंकि आज दिन भर दिल्ली की सड़कों पे डॉन एक्सप्रेस की टीम अलग अलग बूथों पे जाकर के आम आदमी नेताओं और वोटर से बात किया। सबसे पहले हम आते हैं, उनकी राय जानते हैं। गोस्वामी गांव में विकासपुरा विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र अभी महेंद्र यादव जी अपना वोट डालने के अंदर गए हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार लगभग अपना जो है अपना महेंद्र यादव जी को 1,32,437 वोट मिले थे और लगभग वो रिकॉर्ड अपना जो है अपना 70,000 वोटों से जीते थे। पूरा तो बिहार काम को आतक लोग अपने व्यवहार को यादव के व्यवहार को वोट मिल रहा है। डेढ़ से ऊपर जीतेंगे तो उसे 2.25 के आसपास वोट मिलेंगे। और जहाँ भी डर रहा है वो पूरा झाड़ू का ही डर रहा है। पूरी दिल्ली में लोगों को एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ। झाड़ू और अच्छी वोटों के साधन इसमें दिल्ली में नहीं, पिछली बार में देश में सबसे ज़्यादा माहौल पूरी विकासपुरी विधानसभा, अगली बार भी विकासपुरी विधानसभा देश में सबसे ज़्यादा वोट मिली। बहुत बढ़िया है और 1.5 लाख वोटों का चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा मामला चारों तरफ केजरीवाल वहाँ के एक प्रसिद्ध समाज सेवी श्री अजीत सिंह चौधरी के साथ में हूँ, जिनको कि इस एरिया के राजनीतिक माहौल का काफ़ी पता रहता है। तो अजीत चौधरी जी से हम इसी विषय में बात करेंगे। चौधरी साहब पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। चौधरी साहब ये जो आज जो इलेक्शन हो रहा है दिल्ली में, इस इलेक्शन में आप तो काफ़ी वर्षों से यहाँ इसमें अपना जो है अपना कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका क्या विचार है कि इस क्षेत्र में मतलब पिछले मतलब कांग्रेस के समय में और आपके समय में इस क्षेत्र में कितना और बीजेपी के समय में इस क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है? देखिए, अभी तक तो यहाँ बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं जीता है और कांग्रेस का कैंडिडेट जो पहले यहाँ से करीब 10 साल पहले यहाँ से एरिया छोड़ के चला गया था। विकासपुरी विधानसभा दो पहले इसका नाम हस्ताल विधानसभा था, जो कि एक विधानसभा थी। जब ये सेपरेट हो गई, विकासपुरी अलग हो गई, उत्तम नगर अलग हो गई, तो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसने इस एरिया को छोड़ के उत्तम नगर चुना था। उत्तम नगर में उसने अपना 5 साल का पीरियड काटा था। अब वो फिर छोड़ के इधर आ गए तो अब त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें हमारे आम आदमी पार्टी के। तो अब जो ये मतलब ये जो विधानसभा क्षेत्र है अभी विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र, ये विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र है कहलाता है जी 31 विधानसभा क्षेत्र है। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें मतलब कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से अपना जो है उम्मीदवार खड़े हुए हैं यहाँ से? देखिए, इसमें 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं,
बीजेपी से संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी से महेंद्र यादव जी हैं, कांग्रेस से मुकेश शर्मा जी हैं। तो ये अपना जो है इसमें जो पिछली बार जो वोटों परसेंटेज था जो आम आदमी पार्टी को यहाँ से लगभग 66% के आसपास मिला था, तो इस बार आपको क्या लगता है इस बार इसको कितने मिलने की उम्मीद है? इस बार आम आदमी पार्टी को उससे ज़्यादा बहुमत मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम कराए हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, लोगों को तीर्थ यात्रा कराने में, जो उन्होंने लोगों की मदद की है उससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो तीर्थ यात्रा के अलावा और क्या क्या काम किए इन्होंने यहाँ पर? इन्होंने सारी यहाँ की लोकल समस्याओं के बारे में क्या बोलने को का निदान कैसे किया इन्होंने? देखिए, जो अनऑथराइज कॉलोनीज है उनके अंदर सीवर डलवाया है, सीवर डलवा के उनमें रोड वगैरह बनवाए हैं, पानी की लाइनें डलवाई हैं, स्कूल में स्कूल बनवाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं, और आज की डेट में हर एक आदमी वहाँ से पूरी सुविधा ले रहा है। जो दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं उनका पूरा फायदा पब्लिक को। दोपहर के लगभग 12 बजे हुए हैं और इस समय हम दोबारा आए हैं भाव देखने के लिए। इस समय हम खड़े हुए हैं विकासपुर विधानसभा क्षेत्र में और इसमें लगभग 3,98,218 वोट हैं और 376 बूथ हैं। इसमें हमारे बीच में धवन कांग्रेस से कई बार चुनाव कर चुकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं। आने वाले समय में ये अपना क्या दिखाएंगी और अपने विचार प्रकट करते हुए मिसेज धवन मैडम, कैसा माहौल बना हुआ है और आप हमारे क्षेत्र में आए और कैसा माहौल आपको इस समय लगता है? लेकिन मैडम मैं कहना चाहूँगा शुरू में कांग्रेस पार्टी ने उसका आपका समर्थन किया था, लेकिन जिस तरीके की कार्यशैली 5 साल में देखी हम लोगों ने क्योंकि जन लोकपाल पर उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट दिल्ली में लाया, लेकिन जन लोकपाल आज कहाँ है? दिल्ली में नहीं है। मुख्यमंत्री अपने आप को अगर लोकपाल नहीं स्थापित कर सकते जिसका वादा उन्होंने किया था, मुझे अपने बड़ा दिल्ली की जनता के साथ खड़े नहीं थे। आज ऐसे पद रिक्त हैं आज भी सरकारी स्कूलों में जहाँ पर शिक्षक नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खुद 82% है पद खाली, ना नौकरी मिली हमारे युवाओं को, ना महिलाओं के ऊपर अत्याचार दिल्ली में कम हुआ है। इनके रोज की लड़ाई से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने 5 साल में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया है। देखिए मैडम, जो काम केजरीवाल जी ने किया वो काम आप भी तो करने जा रहे हो, आपके भी तो घोषणा पत्र है बड़ी बड़ी बहुत सहूलतें दी जा रही हैं, इसके लिए क्या कर रही हैं? केजरीवाल ने आपके इस समय बहुत सारे राज्यों में आपकी गवर्नमेंट है, आप शुरुआत वहाँ से की करेंगे ना? किसानों का कर्ज माफ़ अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कथित करने में कोई अंतर नहीं है, ये पूरा देश जानता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वे करेंगी, आज देश को दिल्ली स्थापित किसने किया बता रहे हैं? ये तो पार्टी अभी 5 साल पहले आई और कहीं को तो मौका भी नहीं मिला बार बार आने के लिए सत्ता में, तो इतने साल अगर काम हुआ है और दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली कोई रातों रात नहीं बनी, 15-20 साल शीला दीक्षित जी का कार्यकाल था, ये दिल्ली कब बनी? और आज जो सुविधाएं मिल रही है उसको बढ़ाया तो दूसरी की बात है कम कर दिया, बसें कम हो गई, ऑपरेशन थिएटर अस्पताल में बनने जो बनाए थे वो चलने बंद हो गए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाइए वहाँ पर टेस्ट नहीं होते। तो हमने जो किया अगर मजबूत शायद मैं कहीं कुछ किया है, लेकिन फिर हमको मौका नहीं मिला
या आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ पे एमएलए बनती हैं तो आप क्या वादा करके जाएंगी कि जनता के लिए क्या क्या सहूलियतें प्रदान? देखिए मेरा तो जब आएगा चुनाव आएगा अभी तो मुकेश शर्मा जी को एमएलए बनाएंगे। मैं अजय सिंह कैमरामैन तिवारी जी के साथ डॉन एक्सप्रेस अस्ताल क्षेत्र से विकासपुरी विधानसभा नई दिल्ली बताएंगे। आज का माहौल बहुत बढ़िया माहौल है और मुझे लग रहा है कि बच्चे से लेकर बड़े लोग सब लोग इस त्यौहार का आनंद ले रहे हैं। और त्यौहार जैसा मौसम आप देखिए बहुत तरफ अच्छे फैमिली करने के लिए और ये होना भी चाहिए। आज का अपना एक मत है, मेरा मानना है कि हमारे साथ में एक केसरिया माहौल बना हुआ है और ये हमारे यहाँ पे बहुत ही माननीय है मुगला साहब खड़े हुए जो कि लोकल यहाँ के हैं, रेजिडेंशियल है, इनका बड़ा नाम है यहाँ पे। जल को सबसे विचार पर कर देना चाहोगे बहुत बहुत अच्छा है तुम डाल सब लोग निकल रहे हैं उत्तम नगर की सीट पे कुछ नहीं है, पैसों के दम पे कृष्ण इलेक्शन लड़ रहा है और लोग पैसे खा रहे मौज ले रहे हैं। और आपको बता दूं नरेश बालिया ने ऐसा रगड़ देगा इसको कि दोनों गांव के बहुत डिवाइड हो गए। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ जितनी सीट ये सेफ है ना अंदर की उनकी सीट में मजा सेफ है नहीं वो इससे ज्यादा वोटर जीतेगा। खाने पीने की लगा लो चलो एक कोल्ड ड्रिंक की लगा लो चलो कुछ तो लगाओ टक्कर लेगा कोल्ड ड्रिंक की लगा लो चलो पक्की टक्कर देगा वो कुछ नहीं ये सीट कम जाएगा नरेश बालियान को सबसे ज्यादा फायदा मुकेश के हटने से मिल रहा है। मुकेश के जितने वर्कर थे टोटली जिसमें मनोज कौशल था, राम कुमार ठाकुर था और देवेश कौशिक था और मोहन गार्डन के जो मेन मेन थे वो सारे इसके साथ आ गए, उनसे कोई नहीं बचा। अच्छा। और एक जो है वो सीट आरजेडी को दे दी, वो मुकेश का चेला ही जो है उस पर मुकेश ने खड़ा कर दिया, उसे मिलनी 200 वोट में। अच्छा उसे फायदा सारा नरेश बालियान को मिला। जैसी जीत महेंद्र की हुई थी ना पिछली बार, इस बार वो जीत नरेश बालियान कर्मठ कार्यकर्ता 1365 खड़े हैं हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में जहां पर लोग अब धीरे धीरे घरों से निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर आने लगे हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और इस तरह हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा लोगों की भीड़ और बढ़ती जा रही है।
देखिए किस तरह लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर आज के इलेक्शन में आपने क्या कहा था? लोग इस बार तो सबके लिए सत्ता दे रहे हैं, इससे अच्छी बात में क्या बोलते हैं लगा दी अब हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं मनोज पाठक जी के साथ कि आखिर ये दिल्ली चुनाव का जो पूरा कैंपेन आगे बढ़ा वह कैसे बढ़ा, उसमें क्या क्या परिवर्तन आए और क्या दो तीन प्रमुख मुद्दे रहे जो पूरे चुनाव को प्रभावित करते रहे। तो पाठक जी, सबसे पहले जो चुनाव शुरू हुआ जी, जब जनवरी के शुरू में इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में चुनाव की घोषणा की, बिल्कुल, उसके बाद से धीरे धीरे जो चुनाव प्रचार आगे बढ़ा और आज मतदान हुआ, उसमें वो परिवर्तन किस तरह से आया, शुरुआत कैसा था और अंत में आते आते कैसे रहा? देखिए, चुनाव जो हुए उसमें प्रभावित जो करने वाले मुद्दे थे, जो मुद्दे रहे, उसमें दोनों पार्टियां जो प्रमुख दोनों दल थे जो चुनाव लड़ रहे थे, उन लोगों ने अपनी अपनी बातों से शुरुआत की। आम आदमी पार्टी जो है वो हमेशा चुनाव को बिजली पानी इन सब के मुद्दों पे ही रखना चाहती थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने डिलीवर किया था इस पर, और शिक्षा चिकित्सा पर बात करती थी। भारतीय जनता पार्टी के पास शाहीन बाग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव हुई, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इसके लिए भी कहना शुरू किया कि शाहीन बाग जैसे जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो। तो मुख्य मुद्दे तो यही रहे, तीन चार मुद्दे। अगर उसको एक बार देखेंगे तो जब चुनाव की घोषणा हुई जी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये वन साइडेड इलेक्शन है, यानी आम आदमी पार्टी कम्प्लीटली इसे स्वीप कर जाएगी। हाँ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी शायद अपनी पिछले प्रदर्शन को भी न दोहरा पाए। हाँ। और उससे भी नीचे रह जाए। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़े उसमें बीजेपी ने, उसके केंद्रीय नेतृत्व ने, विशेष करके अमित शाह ने पूरे चुनाव कैंपेन को अपने हाथों में लिया और पूरी ताकत झोंक दी, और एक हद तक अब कह सकते हैं कि पार्टी बाउंस बैक की। हाँ, देखिए ये बिल्कुल रहा है, इसमें होकर के बिल्कुल इस बात को मानना होगा, और इस बात के लिए बिल्कुल अमित शाह को समझना भी होगा, उनकी जो कार्य विधि रही इस पूरे चुनाव में उस पर, कि शुरुआत के समय में जब लोगों की बात थी कि भारतीय जनता पार्टी को दो तीन सीटों के लिए भी लोग कह रहे थे कि शायद नहीं आ पाएगा, और अंत में जाते जाते आज भी एग्जिट पोल के नतीजे भी बता रहे हैं लोगों के कि वो करीब 20 22 24 के आसपास की सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आता दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी माना जाएगा उसमें, कि एक हारी हुई बाजी को भले न जीते हूँ लेकिन वहाँ तक पहुँचा देना एक उपलब्धि रहेगी। वो हम इस कैंपेन को जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो पूरा चुनाव प्रचार चला, कैंपेन चला, उसको पिछले कुछ समय का सबसे तीखा कैंपेन भी कह सकते हैं, कहा जा रहा है। बिल्कुल, जिसमें बीजेपी भी जो पार्टी हारने सारे ओपिनियन पोल से लेकर के सब में जो पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही थी, वह अभी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थी, और बार बार आम आदमी पार्टी को भी अपनी रणनीति बदलने पे मजबूर करती रही। दोनों पार्टियां अपनी चाल चलते रहे, कभी डिफेंसिव लेकर कभी ऑफेंसिव होकर। समय तो यहाँ तक आया कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अपने पाले में आकर खेलने के लिए मजबूर कर दिया, बहुत में अंत तक आते आते वो रहा कि अरविंद केजरीवाल भी हनुमान चालीसा से लेकर सुनाना शुरू कर गए, और हनुमान आज कल तक ही दिन भर उनका ट्वीट चला कि हम हनुमान मंदिर गए थे और हमने ये की सारी चीज़ें, जो कभी अमूमन आज तक आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का नहीं किया था। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मुद्दे मुख्य रूप से पूरे चुनाव कैंपेन से लेकर के इस चुनाव को प्रीफरेंस, आम जनता जो वोट डाली, जिसके दिमाग को डोमिनेट करते रहे, तो वह कौन कौन से मुद्दे रहे जो पूरे इस
चुनाव को प्रभावित करते रहे, यानी आम जनता जो अपना मन बनाए कि उनको किसको वोट देना है उसको प्रभावित किए। तो आपके अनुसार वो कौन कौन से मुद्दे थे जो पूरे चुनाव को प्रभावित करते? देखिए, रिपोर्टिंग के दौरान भी इस तरह हम लोग घूमते हुए सड़कों पे भी हमने देखा इन चीज़ों पे करके कि बात हर मुद्दे पे हुई, आम आदमी पार्टी के तरफ से और आम आदमी पार्टी के समर्थन में जो लोग थे उनका कहना था कि मुफ्त बिजली मिली है हमें, पानी मिला है हमें, स्कूल की सुविधा व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, उनके तरफ से उस तरह की बातें आई। और एक दूसरा पक्ष ये भी था पूरे इसमें चुनाव में आया, जो शाहीन बाग को लेकर के काफ़ी आक्रोशित था, आक्रोशित होकर के वो कहता था, उसके पास यही बातें थी कि शाहीन बाग की जो स्थिति है उस स्थिति को होना नहीं चाहिए था, यदि ये स्थिति इस तरह की है तो उनके लिए चिंता का विषय था, उनके अनुसार उनके कथनानुसार उसमें। यानी इसको अगर हम संक्षेप में कहें तो पूरे चुनाव को सिर्फ दो मुद्दे प्रभावित करते रहे, एक था फ्री बिजली पानी और फ्री बस सेवा, और दूसरा शाहीन बाग और नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद के मुद्दे। बिल्कुल, ये दो मुद्दे पूरे चुनाव को प्रभावित करते बिल्कुल रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ चीज़ों को मुफ्त कहने की बात अपने घोषणा पत्र में कही, लेकिन उसकी बात पे उतना ज़्यादा लोगों का रुझान नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के मुफ्त वाले बात पे। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जिस किसी भी लोगों को मैंने दलील देते सुना वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे ही बात करते रहे पूरे चुनाव में। आज 6 बजे चुनाव जब ख़त्म हुए, मतदान जब संपन्न हुआ, उसके बाद से कई चैनलों में एग्जिट पोल भी आए, उसमें सबके आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन सारे एक नतीजे पे हैं लगभग कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। सबने 40+ सीटें आम आदमी पार्टी के लिए दिए हैं, जबकि कुछ उसको ले करके 56-55 तक जा रही हैं, जबकि बीजेपी को लेकर के 15 से लेकर के 25-26 तक सीटें, 26 तक सीटों का अलग अलग चैनलों का रुझान है, मतलब कहना है कि वो 25 से 26 सीटें भारतीय जनता तक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अभी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, लेकिन वहीं एग्जिट पोल के नतीजे यह भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने भी बाउंस बैक किया है। अब वास्तविक विजेता कौन होता है यह तो 11 तारीख को पता चलेगा, लेकिन दो चीज़ें स्पष्ट हो गई है। इस बार दिल्ली विधानसभा में विपक्ष होगा। हाँ, विपक्ष विहीन विधानसभा, विपक्ष विहीन विधानसभा पिछली बार नहीं होगी विहीन विधानसभा। और दूसरा, कांग्रेस का दिल्ली से सफाया हो गया है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात हुई है जिसको कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, और कांग्रेस में कि 4-6% मैक्सिमम वोट उनका रहा। बिल्कुल, आप देखेंगे तो मैक्सिमम जगहों पे कांग्रेस के स्टॉल जो थे वो खाली थे। अब हाँ, इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है यह समझ से परे है, क्योंकि यह मानकर चला जा रहा है अगर इस बार कांग्रेस हार गई तो फिर उसका दिल्ली में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो नुकसान होता है लीडरशिप ख़त्म हो जाना। बिल्कुल, मतलब आगामी चुनाव में जिस तरह से चीज़ें निकल कर के आएंगी उसमें इनके पास चुनाव लड़ने के लिए लोग भी कैसे कैसे वो करते हैं वो समझने की चीज़ें होंगी, और कांग्रेस को इस पर चिंता करनी चाहिए। यदि वो नहीं कर रही है, हार के डर से भाग जा रही हो, चुनाव नहीं लड़ रही हो, तो फिर ये कांग्रेस के लिए वाकई चिंता का विषय है। बिल्कुल, और इस बार अगर अरविंद केजरीवाल की वापसी हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल भी अपने को एक परिपक्व और बड़े नेताओं में अपना नाम शुमार करवा लेंगे, क्योंकि एक जो उनके ऊपर वन डे वंडर का जो टैग लगा हुआ है वह टैग धुल जाएगा। हाँ, कि वो उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके सत्ता में वापसी की है। सबसे अच्छी बात यह रही अरविंद केजरीवाल के राजनीति में कि उन्होंने पूरे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अपने जिस मुद्दे पर खींचने की कोशिश की वो मुद्दा उन्होंने बार बार यही कहा कि हमने इतना काम किया है, हमने इतना काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पे नहीं लेकर के अरविंद केजरीवाल को बार बार अपने पिच पर खेलने के लिए उनको शाहीन बाग लेकर के चली जाती थी। और एक चीज़ देखिएगा, आप अरविंद केजरीवाल से सहमत हों असहमत हों वो अगली अलग बात है, लेकिन एक अरविंद केजरीवाल ने अपने आप कुशल राजनेता के रूप में अपने आप को साबित कर लिया है, स्थापित कर लिया, क्योंकि वो जो एक गलती कर दिए उस गलती को दोबारा अपने नहीं किया। गौर करेंगे कि पूरे राजनीति पूरे चुनाव प्रचार में कहीं भी उन्होंने अमित शाह को तो चैलेंज किया,
नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं किया है। हाँ, मैं वही कहने जा रहा था कि जो एक बार वो गलती कर देते हैं उस गलती को वो दोबारा रिपीट नहीं करते, उसका दोबारा नहीं दोहराया। लोकसभा चुनाव में और उससे पहले चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, उसको लेकर के बोले, फिर प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की जिससे उनको नुकसान हुआ, उससे देखते हुए इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की और राष्ट्रवाद के मुद्दे को छेड़ा ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद बीजेपी का पीछे है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आप जैसे ही जाते हैं बीजेपी के जाल में फंस जाते हैं, तो इस बार उन्होंने अपने आप को बीजेपी के जाल में फंसने से रोका। तो अमित शाह को भी श्रेय देना होगा कि जो पारी वो हारी हुई दिख रहे थे उस पारी में उन्होंने पार्टी को वापसी कराई। अब असली विजेता कौन, वह तो 11 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।